वेलकम दोस्तों। सबसे पहले आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ लास्ट टाइम का जो पजल था उसका आंसर। तो आंसर ये है रुक टेक्स e7 फर्स्ट, सैक्रिफाइस योर रुक आफ्टर बिशप टेक्स e7 और नाइट g6 चेक। अगेन दूसरा सैक्रिफाइस यहाँ पे बिशप पे अटैक है नाइट का, क्वीन का भी अटैक है, तो यहाँ भी फोर्स मूव होगा ब्लैक के लिए। एफ टेक्स g6 और फिर क्वीन g6 अनस्टॉपेबल अनअवॉइडेबल मेट है यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि नाइट भी इसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि नाइट e5 के सामने फिर बिशप चेक आएगा, फोर्स रुक टेक्स बिशप और क्वीन g8 चेकमेट। तो ये था आंसर। अब ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं दूसरा आज का क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है पजल ऑफ द डे आज का, इसमें है ब्लैक टू प्ले एंड विन। आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, थर्ड बिशप b5 चेक, स्कैंडिनेवियन डिफेंस। स्कैंडिनेवियन डिफेंस जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएशन कंप्लीटेड कर दिए हैं दोस्तों। स्कैंडिनेवियन डिफेंस में पोर्टुगीज गैम्बिट, आइसलैंडिक गैम्बिट और थर्ड NF3 जो क्लासिकल वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिए है। आज देखने वाले हैं थर्ड बिशप b4 चेक। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड bb5 चेक, e4 d5 e takes d5 knight f6, ये हमारी पैटर्न मूव है। उसके बाद बिशप b5 चेक, इसके सामने रिप्लाई देना है nbd7, knight bd7। अब थ्रेट है knight takes d5 नेक्स्ट मूव में हम कर सकते हैं, तो उसके लिए व्हाइट के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है c4 दोस्तों। ज्यादातर गेम c4 से होती है ज्यादातर, इसलिए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां करना है आपको a6। अब यहां पे दो वेरिएशन है, एक तो सिंपल है बिशप टेक्स नाइट, उसके बाद आपको बिशप टेक्स बिशप करना है। व्हाइट खेलेगा d4, सिंपल डेवलपमेंट। e6 करना है d takes e6 और bishop takes e6 आफ्टर d5। यहां पे आपको खेलना है bishop g4 और ये हो जाएगी कन्वर्ट इन पोर्टुगीज गैम्बिट आफ्टर f3। तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, पोर्टुगीज गैम्बिट में knight c6 होता है, लेकिन इसमें भी आप बहुत ही अटैकिंग खेल सकते हो। तो चलिए मेन वेरिएशन देखते हैं इसमें। ये था हमारा साइड लाइन का वेरिएशन। मेन वेरिएशन में क्या है, e4 d5 ed5 knight f6 bishop b5 चेक, knight bd7 देन c4 एंड यहां पे आपको खेलना है a6 नॉट e6। अब यहाँ पे बिशप a4, ज्यादातर प्लेयर बिशप a4 खेलते हैं, बिशप d7 इतनी अच्छी मूव नहीं होती है वाइट के लिए। तो बिशप a4 के सामने आपको रिप्लाई देना है b5, c takes b5 और यहां आपको knight takes d5 करना है। अब यहां से टोटल मैं आपको चार वेरिएशन बताऊंगा, यहां से आप चार भाग कर सकते हो, लाइक वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3 एंड वेरिएशन 4। तो सबसे पहले वेरिएशन 1 में व्हाइट के पास b cross a6 के मूव है। इसमें आपको bishop takes a6 करना है। अब यहां ये लाइट स्क्वायर जो डायगोनल है कंट्रोल हो चुका है। knight f3 ये एक क्वेश्चन मार्क है, ब्लंडर है। यहां पे बेस्ट मूव है knight f4 और यहां चेकमेट इन वन मूव की थ्रेट है knight takes g2। अब इसका रिप्लाई व्हाइट कैसे देता है वो आपको उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं उसके बाद सामने वाले को। लेकिन मेरे हिसाब से ब्लैक के लिए बहुत ही बेहतरीन पोजीशन हो गई है। अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं, b takes a6 अगर नहीं करता, यहां व्हाइट खेलता है d4 तो n5 b6।
आफ्टर बिशप बी थ्री, यहां आपको खेलना है ई सिक्स, नाइट एफ थ्री, ए टेक्स बी फाइव, व्हाइट करेगा शॉर्ट कैसल और बिशप ई सेवन, आपको अपना पॉन वापस मिल जाता है और सिंपल वेरिएशन है। और आपको सबसे मेन एडवांटेज इस पोजीशन में व्हाइट का जो डी फोर पॉन है वो आइसोलेटेड हो चुका है, तो इस पॉन के हिसाब से आप गेम अच्छा खेल सकते हो एंड गेम तक। थर्ड वेरिएशन जो है यहां पे बिशप ए फोर, बी फाइव, सी बी फाइव, नाइट डी फाइव, उसके बाद नाइट एफ थ्री, यहां वाइट नाइट एफ थ्री कर सकता है तो भी आपको नाइट फाइव बी सिक्स खेलना है। आफ्टर बिशप सी टू, यहां पे वाइट बिशप सी टू रखेगा तो यहां आपको ए क्रॉस बी फाइव, आफ्टर बिशप ई फोर रुक बी एट शॉर्ट कैसल और ई सिक्स, बहुत सारी गेम्स इस पोजीशन से हो चुकी है। नाइट सी थ्री वाला वेरिएशन जो है यहां पे व्हाइट नाइट एफ थ्री के बजाय सपोज उसने नाइट सी थ्री किया तो नाइट सी थ्री में भी आपको सेम मूव है नाइट फाइव बी सिक्स, बिशप बी थ्री, ई सिक्स, डी फोर, ए टेक्स बी फाइव, नाइट टेक्स बी फाइव, बिशप ए सिक्स, नाइट सी थ्री और बिशप डी सिक्स, नाइट एफ थ्री और कैसल। ये पोजीशन बेहतरीन पोजीशन है ब्लैक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर बीबी फाइव चेक देखे सामने वाला थर्ड मूव में खेलता है तो। नाइट सी थ्री वाला सिंपल वेरिएशन है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब दिखाता हूँ आपको एक मेरी खेली हुई गेम। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट गेम, अभी मैंने रिसेंटली फाइव डेज पहले खेली थी, ई फोर डी फाइव E5, ये डिक्लाइन लाइन है। डिक्लाइन लाइन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। इसके डिक्लाइन के सामने C5 खेला जाता है, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, पिनिंग द नाइट और बिशप D7। यहाँ पे सिंपल आपको पिनिंग में से अनपिन जल्दी करना है, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स, और ये बहुत ही बढ़िया पोजिशन में हमारा वाइट स्क्वायर जो बिशप है C6 पे स्टेबल हो गया है। आफ्टर कैसलिंग सिंपल e6 क्योंकि लाइट स्क्वायर बिशप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। c3 यहाँ पे ऑलवेज आपको वाइट का d4 स्टॉप करना होता है, तो मैंने पहले से ही d4 कर दिया ताकि वाइट d4 नहीं खेल सके। आफ्टर नाइट a3, नाइट e7 और नाइट c4, इसके रिप्लाई में आपको नाइट f5 करना है क्योंकि नाइट d6 चेक की थ्रेट है। यहाँ पे d3, b5 अटैक अर्ली अटैक कर सकते हो, यहाँ पे कोई सेंटर में अटैक आएगा नहीं इस पोजीशन में, तो हमें वाइट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं कि वो सेंटर में किंग रखेंगे तो अटैक कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन डी सेवन, आर ई वन, पॉन टेक्स पॉन, और यहाँ हम एक पॉन प्लस हो चुके हैं, दूसरा पॉन सी थ्री भी हैंगिंग है यहाँ पे, जिसे बचाने के लिए बी टू जरूरी है। सिंपल बिशप ई सेवन, क्वीन एक्सचेंज, ये तो सामने से ऑफर कर रहा है जो पॉन डाउन है फिर भी, तो मेरे लिए गेम एकदम इजी हो गई है। क्वीन टेक्स क्वीन, रुक टेक्स क्वीन और शॉर्ट कैसलिंग, रुक डबल किया है, बैटरी बनाई है, सी फोर स्टॉप द बिशप, बिशप को हमने पहले से ही बैड कर रखा है। सी फोर ये राइट टाइम पे राइट मूव होनी चाहिए दोस्तों, जब आप गेम खेलते हो तो यहाँ से मेरे पास बहुत सारे मूव्स है, जैसे कि रुक डी एट में खेल सकता हूँ और लाइक ये भी खेल सकते हैं, आर ए डी एट भी खेल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने सी फोर क्यों चुना, क्योंकि सी फोर करने से डार्क स्क्वायर बिशप जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा, तो तुरंत सी फोर का एडवांटेज हमें मिल रहा है।
E94 सिंप्लीफाई, ये तो हमारे लिए बेस्ट है। दोनों पास पॉन को कनेक्ट करके ये सी वाला पॉन थ्रू आउट हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो ये उसने हमारे लिए और भी इजी कर दिया है। यहाँ पे रुक D8 नाइट और यहाँ पे दोनों पॉन कंट्रोल में आगे जा रहे हैं। अब देखिए वाइट का जो वाइट बिशप है बिल्कुल इनएक्टिव है। अब यहाँ पे पॉन चेन आगे बढ़ रही है। अब इसका जवाब व्हाइट के पास कुछ नहीं है आफ्टर B2। और यहाँ पे व्हाइट ने रिजाइन कर दिया और रिजाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मूव में रुक A1 आ सकता है और बिशप टेक्स नाइट होके सिंपल गेम भी हो सकती है उसकी। बिशप टेक्स नाइट मेरा अगला जो प्लानिंग था बिशप टेक्स नाइट और मैं बिशप B3 लाइक देन बिशप A2 और रुक A1। बहुत सारे मूव्स मेरे पास विनिंग मूव्स थे इसीलिए व्हाइट ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। हालांकि गेम काफ़ी मूव्स तक चली ही। और ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देख के स्कैंडिनेवियन डिफेंस की ओपनिंग एकदम परफेक्ट करने के बाद ऑनलाइन अपनी गेम डेवलप कर सकते हैं। हर एक गेम में आप ओपनिंग देख के भी खेल सकते हैं, उसके बाद मिडल गेम में गेम आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारे मिडल गेम के पजल्स करने होंगे। मैं मेरे हर एक वीडियो में एक पजल आपको देता रहूँगा तो उसे भी आपको आंसर ढूंढने में ट्राई करना है। 10 मिनट लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट पजल में देता हूँ जिसमें कोई आपको चैलेंज नहीं है कि भाई वाइट टू प्ले और फॉर्क करना है या वाइट टू प्ले पिनिंग करना है या पे मेट इन 3 करना है, ऐसा आपको कुछ भी दिया नहीं जाता है। बस इतना कहा जाता है कि आपको वाइट टू प्ले और विन करना है। विन कैसे करना है ये आपको ढूंढना है। गेम में प्लस होके भी आप विन हो सकते हो। हालांकि बहुत सारी ऐसी भी पजल होगी जिसमें सिर्फ एक पॉन लेना होता है, पॉन प्लस होना होता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़े कॉम्बिनेशन लगते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।